खा पी भी रहे हो क्या? मीटिंग भी चल रही है भैया, खा भी रहे हैं। टू इन वन काम चल रहा है भाई। सही है। तो गाइस वेलकम टू द वीडियो, और मैं और ऐश्वर्या हम जा रहे हैं घूमने के लिए। कहाँ हमें खुद नहीं पता भाई, आज हम सिर्फ और सिर्फ स्कूटी पे गेड़ी मारने जा रहे हैं। बस ये प्लान है कि निकल जाएं कहीं पे भी, शायद लॉन्ग डिस्टेंस चले जाएं, हो सकता है आसपास चले जाएं, बट अभी के लिए कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। कैमरा मैन ऐश्वर्या और कमेंटेटर शैंकी शर्मा के साथ। पुलिस की आवाज आई। और गाइस यहाँ पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ, लेकिन पुलिस वाले खड़े हैं। कुछ हुआ तो है। बोलो क्या कर दिया? गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ शायद से दोनों का। एक्सीडेंट तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन गाड़ी देखी मैंने, काश हम रोक के खड़े होके देखते। जैसे सब खड़े होके देखते हैं। मगर मैंने हेलमेट नहीं पहना ना। हाँ, मेरे को लग रहा था कि कहीं रोक अभी रोक ले। नहीं, लेकिन अभी उसके पैसे ज्यादा बन रहे हैं ना, तो अभी वो हम पे ध्यान नहीं देगा। हाँ सही बात है। जब कभी भी पुलिस वाले ऐसे किसी के साथ बिजी होते हैं ना, जिनके पास हेलमेट लाइसेंस नहीं होता, वो सबसे पहले शुक्र मनाते हैं। निकलो निकलो यहाँ से, निकलो जल्दी निकलो। द्वारका का प्लान बन चुका है, हम द्वारका जा रहे हैं घूमने के लिए। तो गाइस द्वारका का प्लान बना है, अब हम द्वारका घूमने जा रहे हैं। अरे यार कन्नी काट गया ये। ओके गाइस हम इधर आ गए हैं। शैंकी आज यहाँ पहली बार आया है, मैं शैंकी को लेके आई हूँ। थोड़ी ऑफ बीट सी जगह है, इधर 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 राइट पे देख रही हो भीड़? ओ भाई, ओ हम आए हैं द्वारका में। थोड़ा पालम के पास है ये, और नाम है बढ़िया जगह लग रही है। तो भीड़ चेक करो आप, भीड़ तो बहुत रहती है यहाँ पे, बहुत भीड़ रहती है। चलो अच्छी बात है, मैं तो कि मेरी अच्छी लगती ना, इसकी वजह से यहाँ भीड़ लगी रहती है। अच्छा ओके। तो भाई भैया कह रहे हैं कि मोमोज एकदम बढ़िया है, और भैया आते रहते हैं यहाँ पे खाने के लिए। तो आज ट्राई करते हैं, एक बार ट्राई करके देखते हैं मोमोज कैसे हैं। बाकी है तो आज सैटरडे, तो मैं तो वेज खाने वाला हूँ। एक प्लेट मैडम खाएंगी नॉन वेज, तो दोनों का ही मिल जाएगा एक बारी, क्या है कैसा है क्या टेस्ट। हाँ मैं फ्राइड ही खाऊँगा, वेज मोमोज स्टीम्ड मज़ा नहीं आता। ये मेयो नहीं कर रहा, मेयो मैंने सुना आपकी बहुत ज़्यादा स्वाद होती है। मेयोनीज बढ़िया, मैंने ये सुना है कि बढ़िया होती है आपके यहाँ मोमो, बढ़िया बहुत ज़्यादा फेमस है। हाँ फेमस है भैया, खाता भैया
बहुत बढ़िया भैया, थैंक यू भैया। बढ़िया होते हैं भैया, बढ़िया। भैया आप साथ में खा पी भी रहे हो क्या? भैया मीटिंग भी चल रही है, भैया खा पी रहे हैं, टू इन वन काम चल रहा भाई। सही है, सही है, सही है भैया। भैया जी एक वेज एक नॉन वेज, नॉन वेज स्टीम कर देना और वेज फ्राइड। हाँ जी भैया, यूट्यूब चैनल में आ रहा है आपके? हाँ हाँ यही तो है, ये अभी अभी के लिए अभी तो नहीं आएगा भैया, अभी तो मैं सिर्फ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना। अभी दिखा के जाओ भैया, गलत मत। अभी अभी भाई रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अभी इसके बाद इसको एडिट करूँगा फिर डालूंगा, हफ्ते भर बाद आया कम से कम। ये मेरा ही है ना, ये मेरा ही आपका है और ये चिकन मोमोज है भैया, ये चिकन स्टीम मोमोज है भाई। मेरे को पहली बार ही पता लगा है ये मोमोज वाले भैया के बारे में, बट अदरवाइज लोग कह रहे हैं कि भाई बहुत ज़्यादा फेमस है और द्वारका के अंदर दूर दूर से, मतलब द्वारका के अंदर जितने भी लोग हैं उनको पता है कि भैया यहाँ पे तेरा रामफल कौन सी जगह है, नसीरपुर के पास यहाँ पे एक मोमोज वाले भैया बैठते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और टेस्टी मोमोज बनाते हैं। और इनका सबसे ज़्यादा बढ़िया चीज़ ये है कि इनका चिकन जो है ना एकदम जेन्युइन होता है, कोई न्यूट्रेला नहीं डला होता उसके अंदर। बट आओ एक बार टेस्ट करके देखते हैं ताकि हमें असलियत पता लग सके। अच्छा लगता है, कितना टाइम हो गया आपको आते हुए? आपको कैसे लगता है? बहुत अच्छा। आप कितने टाइम से आ रहे हो यहाँ पे? दो तीन साल हो गए। चलो अच्छा है, जाके देख रहे हैं ना। लेट्स ट्राई। मैं जो बोलना चाहूँगा वो ये है कि भाई वेज मोमोज जो होते हैं ना, वेज मोमोज आप कहीं के भी खा लो, कहीं के भी, तो राउंड अबाउट सिमिलर ही टेस्ट होता है, ऐसा कुछ बहुत खास नहीं होता उसके अंदर। बट हाँ कुछ कुछ जगह जो होती हैं बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती हैं, बट वेज मोमोज समवट सिमिलर ही मिलते हैं हर जगह, तो ये वैसे ही हैं। कोई मैं ये नहीं बोलूँगा कि क्या बोलते भाई मैंने कुछ बहुत ज़्यादा अलग चीज़ खा ली या बहुत ही ऐसी चीज़ खा ली कि क्या बोलते हैं ऐसी चीज़ तो मैंने कभी ज़िंदगी में ट्राई नहीं करी। सिमिलर है, नॉनवेज हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बढ़िया हो, बट आज मैं नॉनवेज खा नहीं रहा, तो ये अब कैमरा मेरे पास आएगा और मैडम ट्राई करके बताएंगे कि चिकन मोमोज कैसे हैं। चिकन मोमोज हो सकता है कि काफ़ी अच्छे हों क्योंकि मैंने सुना है यहाँ पर चिकन जो है एकदम जेन्युइन होता है, नो न्यूट्रेला, ओनली बढ़िया, नो बकवास। आओ फिर एक बार स्प्राइट पिलाएं आपको। हाँ जी मैडम, एक बार अंदर की फीलिंग दिखाई जाए ज़रा। वही हुआ एकदम एकदम अमेजिंग ऑथेंटिक चिकन है, मतलब प्रॉपर चिकन चिकन है, न्यूट्रेला सच में नहीं है। खैर साथ में लपेटते हैं क्योंकि भाई मेरे यहाँ फ्राइड और फ्राइड जहाँ ठंडे हो गए वहाँ पे लस्सी हो जाएंगे, तो फटाफट लपेट लेते हैं भाई अपने वेज मोमोज और उसके बाद मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, ठीक है? जैसा कि बहुत सारे लोग जानते होंगे या जिनके पास गोप्रो होगा वो तो जानते ही होंगे कि गोप्रो की बैटरी यूँ ख़त्म होती है, यूँ 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 यूँ। जब मैं घर से निकला था 70% थी, ठीक है, राउंड अबाउट हमने 7, 10 या 15 मिनट की वीडियो बनाई होगी और सारे के सारे भाई गोप्रो की बैटरी ख़त्म। तो अब हम ये जो शूटिंग है कंटिन्यू कर रहे हैं मैडम के फ़ोन से जो कि है वीवो का V19 जो भी होगा, मेरे को नहीं पता, V19 ही है शायद से। खैर हम आए हैं Sector 6 की मार्केट द्वारका में और यहाँ पर हम खाने वाले हैं मैडम की फरमाइश पे गोलगप्पे, क्योंकि मैडम यहीं पे रहने वाली थी, द्वारका की रहने वाली थी शादी से पहले, तो इनको यहाँ के चप्पा चप्पा पता है और यहाँ पे क्या सबसे बढ़िया मिलता है वो यही बताएंगी। तो आओ चलते हैं द्वारका में Sector 6 की मार्केट, बढ़िया गोलगप्पे खाने और ट्राई करके बताते हैं कि बढ़िया हैं या मैडम ऐसी बोल रही हैं। आइए चलते हैं। यहाँ पे साला ये भंगड़ा हो रहा है, शौरमे वाले बताऊँ कितने हैं यहाँ पे, एक ये सामने, एक हीरा और एक हीरा, एक कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। हो गया भैया?
एक पुचके वाला भी खरीद कर खड़े कर लो यहाँ पे दो तीन। स्पाइसी का हो गया मीडियम, चटपटा मीडियम, तीखा नहीं चटपटा। ये डाले भाई आलू और ये वाइट मटर। ये क्या चीज है? वाइट सफेद वाले मटर, वाइट मटर। अच्छा काले अच्छा, चने भी होते हैं, छोले कुलचे वाले बटर और साथ में काले चने। ये काला नमक, ये काला नमक, सादा नमक, सादा नमक। ये है सूखा धनिया, सूखा धनिया। ओके सर, अब आप खाएंगे तो मैं इसमें ओनियन यानी प्याज ऐड करूँ? प्याज ऐड कर दो, कोई टेंशन नहीं, सब डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। नवरात्रि निकल रहे भैया, खाने के प्याज। हरी मिर्च, ये डाली हरी मिर्च भाई, वाह। ये हम खाने आए कलकत्ता के स्पेशल फेमस पुचके। दिस इज कलकत्ता स्टाइल पुचका। साथ में डल गया ऊपर नींबू, नींबू का रस भाई टेस्टी तो बहुत लग रहा है यार। ये तो एक प्लेट मैं भी खाऊंगा। ये खट्टा था, मैंने मकर को टम्पर आ रहे भैया खट्टा मीठा। ये मिलता भाई एंड में खाने के लिए। ये जो शॉर्मा वाले टन 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 करे जा रहे हैं ना, इतना इरिटेट कर रहे हैं ना मेरे को, बंद ही नहीं हो रही इनकी टन टन टन। और मुझे समझ नहीं आता दिल्ली के अंदर शॉर्मा जो होता है वो बिल्कुल चिकन का ऐसा बुरादा क्यों बना देते हैं कि मेरे बिल्कुल ही ऐसे छिड़क लो चिकन। यू व्हाट इज दिस यार, शॉर्मा होता है तेरा बढ़िया यार, एकदम चिकन के पीस आने चाहिए। मुंबई का शॉर्मा खाया, इनको खिलाओ मुंबई का शॉर्मा, तेरे को पता लगेगा शॉर्मा का मतलब क्या है। बट गोलगप्पे बहुत बढ़िया थे, है ना? तो गाइस हम यहाँ से टापेंगे, शैंकी की उम्र हो चुकी है इसीलिए शैंकी अब दीवार नहीं टापता। फोन पकड़ो, हम दीवार टापेंगे। टापिए लो भाई।